तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीम के स्पेसिफिकेशन के बारे में, हर एक बार की इम्पॉर्टेंस के बारे में कि अगर वो बीम पे लगती है तो वहाँ पर उसके लगने का क्या इम्पॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ ताकि सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो सके। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश बोहरे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरु जी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको अगर साइट से रिलेटेड सारे वीडियोस चाहिए तो यहाँ आई बटन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर हमारे साइट से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं जो कि लास्ट सेशन में मैंने कवर किया है साइट विजिट के बारे में कि उसका क्या स्पेसिफिकेशन है और साइट पर क्या क्या सारे रिइंफोर्समेंट से रिलेटेड डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल सकती है। तो आइए देरी ना करते हुए चालू करते हैं हमारे स्पेसिफिकेशन। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गाइस जैसे ये हमारा एक बीम का फ्रेम है, हालांकि आई नो बहुत वक्त हो चुका है इस बीम के फ्रेम को बनाए हुए तो ये थोड़ा सा एंड बैंड हो गया, तो बिल्कुल डोंट माइंड इट। हम देखते हैं कि ये जो हमारा बीम का फ्रेम है यहाँ पर हमारा टॉप बार लगा है, क्लियर, ये हमारा बॉटम बार है। अब मैं इस टेबल को मेरा सपोर्ट मानता हूँ, ये एक सपोर्ट है जो ये बीम अपने कॉलम से लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये एक सपोर्ट है जो ये कॉलम पर जाकर लगा हुआ है। यहाँ पर इसको दो सपोर्ट मिल जाते हैं बीम को और बीच में कुछ भी सपोर्ट नहीं रहता है इसके पास। अब जब हम बात करते हैं इसके लोडिंग की तो लोड हमारा बीम के ऊपर कुछ इस तरह से गिरता है, क्लियर है गाइस, जिस तरह से हमारा लोड आता है, जब लोड आता है बीम को ये क्या करता है, नीचे पुश करने की कोशिश करता है, क्लियर। जब ये बीम नीचे पुश होती है तो क्या आता है, ये जो सपोर्ट्स में जो अटैच है बीम अपने, जो बीम अपने सपोर्ट्स अटैच है उससे क्या करता है, ये ऊपर उठने का कोशिश करता है, क्लियर। जब ये नीचे जाने की कोशिश करता है तो इसके सपोर्ट से क्या करता है, ये ऊपर उखड़ने की कोशिश करता है, क्लियर है गाइस। तो यहां पर आप देखिए मूवमेंट क्या हो रहा है, सेंट्रल पार्ट जो इस बीम का जो सेंट्रल पोर्शन है वो क्या करता है, नीचे जाने की कोशिश करता है। सिमिलरली आप यहां पर देख सकते हैं लोड की वजह से बीम क्या करती है, बेंड होती है अपने सेंट्रल पार्ट से। तो जो भी यहां पर फर्क आएगा, जो भी फेलियर होगा, इसके सेंटर से नीचे वाले पोर्शन से होगा, क्लियर है गाइस। अब जब नीचे वाले पोर्शन से इसका फेलियर होगा, इस तरह से बेंड हो रहा है, तो इसका टेंशन जोन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो इसका सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर टेंशन जोन कहाँ रहेगा, नीचे, इसके न्यूट्रल एक्सिस जो इसका सेंट्रल है न्यूट्रल एक्सिस उसके नीचे रहने वाला है इसका टेंशन जोन, क्लियर। लेकिन जैसे ही हम इसके सपोर्ट्स में पहुँचते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाता है, यहाँ पर नीचे जा रही होती है लेकिन अपने सपोर्ट से क्या है, ये ऊपर आ रही होती है। इसी वजह से यहां पर जो मूवमेंट जनरेट होता है ये नेगेटिव मूवमेंट जनरेट होता है, इसका अपोजिट मूवमेंट जनरेट होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा बीम का न्यूट्रल एक्सिस है, जो इसका सेंट्रल पार्ट है वहां पर ये पॉजिटिव मूवमेंट जनरेट करता है और जो इसके दोनों सपोर्ट पार्ट है वहां पर ये नेगेटिव मूवमेंट जनरेट करता है। यानी कि जो इसका डिफ्लेक्शन होगा इसके सपोर्ट्स पर उसमें जो टेंशन जोन है वो अपोजिट हो जाता है, क्लियर। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि जो हमारा कंक्रीट है वो वीक होता है टेंशन जोन में, तो हमें उसे टेंशन में स्ट्रांग करने के लिए क्या करना होता है, रिइंफोर्समेंट लगाने होते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि कहां कहां पर रिइंफोर्समेंट आनी चाहिए, टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खेल है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे कि जनरली हम सभी ने देखा है कि जो हमारा सपोर्ट जो पार्ट है वहां पर टॉप एक्स्ट्रा आते हैं हमारे सपोर्ट्स को लेकर। मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखाना चाहूंगा, यहां पर जो हमारा सपोर्ट पार्ट है यहाँ पर देखिए, ये मेन बार तो जा ही रहे हैं लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक टॉप एक्स्ट्रा आके लगे हुए हैं, क्लियर। अब इन टॉप एक्स्ट्रा का लगने का क्या मकसद है कि जैसे ही सपोर्ट के पास पहुँचता है तो मूवमेंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, नेगेटिव मूवमेंट बनता है। इसका मतलब कि जो यहाँ पर इस L/3 टू L/4 जोन तक अपने सपोर्ट से L/3 से लेकर L/4 जोन तक ये टॉप एक्स्ट्रा आता है क्या रजिस्ट करने के लिए, नेगेटिव मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए, क्योंकि अब ये टेंशन जोन हो चुका है। जैसे ही अपने सपोर्ट्स के पास पहुंचता है तो इसका ऊपर वाला जोन चेंज हो जाता है, अब नीचे कंप्रेशन जोन और ऊपर टेंशन जोन रह जाता है। इसी वजह से टेंशन में स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हमको हमारे फ्रेम को, उस वजह से यहाँ पर टॉप एक्स्ट्रा का यूज किया जाता है। सिमिलरली इस सपोर्ट पर भी उसी तरह का यहाँ पर हमने टॉप एक्स्ट्रा का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जोन चेंज होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव मूवमेंट आ रहा है,
उसको रजिस्टर करने के लिए प्रॉपरली यहां पर भी टॉप एक्स्ट्रा लगाया जाता है। क्लियर है गाइस? अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि जो क्रैंक बार लगता है हमारे बीम पे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। कि गाइस देखिए, सपोर्ट से क्या होता है, टॉप एक्स्ट्रा काम किया इसने, क्रैंक बार ने यहां पर, अब वो अपने डायरेक्शन चेंज करके नीचे की ओर जाता है इस तरह से। क्लियर है? अब क्या करता है, जो बीच में जो इसका सेंट्रल पार्ट है ना गाइस, जो इसका सेंट्रल पार्ट है वहां पर अगर एक्स्ट्रा बार की जरूरत है तो वहां पर बॉटम एक्स्ट्रा बार लगती है इस मूवमेंट को रजिस्टर करने के लिए। मेन बार के अलावा अगर आपको और कोई बार लगानी है तो वहां पर आपकी लगेगी बॉटम एक्स्ट्रा बार सेंट्रल पार्ट में। क्लियर? जो कि मैंने आपको साइट में ले जाकर मेरे पुराने साइट वाले वीडियो में दिखाया था, आप आई बटन पे जाइए और वहां से आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको और क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा कि साइट पे वो किस तरह से बंधा हुआ है। क्लियर? तो अब क्या होता है, जो ये हमारा क्रैंक वाला पार्ट होता है, जो हमारा डायरेक्शन चेंज होता है, ये पहले हम यूज करते थे बीम के केस में भी कि एक सिंगल कंटिन्यू बार की जो सपोर्ट से चालू हुआ, टॉप एक्स्ट्रा बना, टॉप एक्स्ट्रा से क्रैंक होके ये बॉटम एक्स्ट्रा को सपोर्ट किया, बॉटम पार्ट को, फिर ये यहां से क्रैंक होके इस वाले पार्ट के लिए टॉप एक्स्ट्रा बनता था। तो अब क्या होता है गाइस, जो क्रैंक वाला पार्ट होता है, क्लियर, अब एक क्रैंक कहां से दिया जाता है बीम में, जो क्रैंक दिया जाता है गाइस वो है हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल, यानी कि ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं जहां पर ये मूवमेंट चेंज हो रहा है, ये जो पॉइंट है दोनों साइड पर, ये जो पॉइंट है जहां पर अपना डायरेक्शन चेंज करता है मूवमेंट, वो कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल, जहां पर बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है गाइस? तो इसी यही पॉइंट होता है जहां पर हमें क्या करना होता है, डायरेक्शन को चेंज करना होता है, इसी पॉइंट से बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है। बीम के केस में भी यही है, स्लैब के केस में भी यही होता है कि जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल आता है वहीं से डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी बीम के केस में कौन कौन से बार लगते हैं हमारे, उस चीज के बारे में देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला बार लगता है हमारा वो लगता है टॉप मेन बार। कौन सा बार लगता है हमारा? टॉप मेन बार। मेन बार क्या होता है, जो एक सपोर्ट से लेकर अपने दूसरे सपोर्ट तक जाता है उसको हम कौन सा बार कहते हैं, मेन बार कहते हैं। क्लियर है गाइस? इस मेन बार को जो सपोर्ट टू सपोर्ट जाता है टॉप डायरेक्शन से, ये हमारा टॉप मेन बार हो गया। सिमिलरली जो हमारा सेकेंड बार होता है वो होता है बॉटम मेन बार। अब जो बॉटम पे जाता है हमारा सपोर्ट टू सपोर्ट वो हो गया हमारा बॉटम मेन बार डिटेल पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, ये होती है हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार। जो बार हमारे सपोर्ट्स पर लगती है यहां पर नेगेटिव मूवमेंट को रजिस्टर करने के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, वो डिस्टेंस कितना होता है मैं फिर से बता रहा हूं आपको, एल बाय थ्री से एल बाय फोर तक सपोर्ट, और यहां पर एल क्या होता है, क्लियर स्पान ऑफ द बीम। क्लियर है गाइस? क्लियर स्पान ऑफ द बीम, इसका डाटा आपको आईएस कोड में मिल जाएगा, आईएस कोड 456-2000, और हमारे बीबीएस के लिए बहुत सारे आईएस कोड यूज होते हैं उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वहां पर। नेक्स्ट फोर्थ जो हमारा बार यूज होता है वो होता है बॉटम एक्स्ट्रा। ये बॉटम एक्स्ट्रा बार क्यों यूज होता है, यहां पर जो बॉटम पर अगर कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट हमको प्रोवाइड करना है, क्या वहां पर वो क्यों लगती है, क्योंकि अगर हमारा लोडिंग ज्यादा है, हम डेप्थ इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं और यहां पर रिइंफोर्समेंट ज्यादा चाहिए सेंट्रल पार्ट पर टेंशन जोन में, क्योंकि ऊपर क्यों नहीं बार आती, क्योंकि ऊपर कंप्रेशन जोन है और कॉन्क्रीट स्ट्रांग होता है कंप्रेशन जोन में, लेकिन इसका जो सेंट्रल में जो नीचे पार्ट है वो टेंशन जोन है प्रॉपरली। क्लियर? उस टेंशन जोन पे होने की वजह से क्या होता है, वहां पर एक्स्ट्रा लोडिंग की वजह से हमको और बार लगाना पड़ता है यहां पर, उसके लिए यहां पर बॉटम एक्स्ट्रा का यूज किया जाता है, इसी वजह से हमारा बॉटम एक्स्ट्रा बार यहां पर लगता है। ये सारी चीजें कंप्लीटली हम रिजॉल्व करते हैं हमारे प्रॉपरली सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। इसका डिटेल बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना, ड्रॉइंग को किस तरह से रीड करते हैं, किस तरह से ड्रॉइंग को रीड किया जाएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूं गाइज, जो आने वाला है संडे को, आप बिल्कुल रेडी रहिएगा, क्योंकि उसमें ड्राइंग को किस तरह से रीड करते हैं, किस तरह से उसको पढ़ा जाता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल पे बताने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको वहाँ पर बिल ऑफ स्टील्स भी बताने वाला हूँ, जिसमें कि बहुत सारे डिटेल्स की साइट पर किस तरह से लिखा जाता है, बीबीएस को किस तरह से बनाया जाता है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है।
इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें डिटेल पर जानते हैं और सीखते हैं हमारे डिटेल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। आप www.civilguruji.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर इसी तरह की बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ पर आई बटन में मैं आपको एक और लिंक दे रहा हूँ, एक डेमो क्लास का पूरा सेटअप का डेमो है बार बेंडिंग शेड्यूल का, जिसमें कि आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप उस आई बटन पर जाकर वो सारी चीज़ें, वो उन वीडियोस के बारे में पूरा नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट संडे को हम मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको इसी तरह के वीडियो साइट से रिलेटेड और भी चाहिए, बेल का आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट और साइट के इसी तरह के वीडियो वो आप तक टाइम पर पहुंच सके।